शिफ्ट जो आप देख रहे हैं? ऑफ कोर्स इट विल हेल्प बिकॉज म्यूजिक यू नो इट्स द मोस्ट इजिएस्ट वे टू कन्वे अ मैसेज यू नो टू रीच आउट टू सोसाइटी इट इज़ द मोस्ट इजिएस्ट वे. तो आप अब लोग इस चीज़ को परसीव करने लगे हैं, इन चीज़ों पे ध्यान देने लगे हैं. ऐसा नहीं है पहले बिल्कुल ही नहीं बनते थे, पहले भी बनते थे बट ऑडियंस ये मांगती ही नहीं थी. अब हमारी ऑडियंस को चाहिए ये सब चीज़ें कि दे नीड सम सेंस इन वट एवर देयर सीइंग. और ऐसा नहीं है, म्यूजिक इज ऑल्सो अबाउट एंटरटेनमेंट, आई वोंट डिनाई इट. तो एंटरटेनमेंट भी साथ साथ चल रहा है और साथ साथ इस तरीके की भी चीजें आ रही हैं जो कि एक आर्ट का एक्चुअल यूज है. इट इज आर्ट वॉज नेवर अ बिजनेस, ऑलराइट. इट वॉज सपोज टू यू नो टीच पीपल, राइट, एंड इट वॉज सपोज टू इंस्पायर पीपल. तो आई एम जस्ट ग्लैड कि वो वापस उस फॉर्म में आ रही है जैसे वो इंटरटेनमेंट शुरू हुई. जो नेक्स्ट गाना है मेरा उसका नाम है बेकार. और या इट टॉक्स अबाउट यू नो रिलेशनशिप विच इज ब्रोकन नाउ एंड द गाय बीइंग टॉक्सिकेटेड अबाउट इट. तो उस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, व्हाट इज द राइट थिंग टू डू इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन जो कि बहुत सारे लोगों के साथ होती है. तो मैं बस उस उम्मीद के साथ बना रहा हूँ कि जिसको उसकी ज़रूरत हो उस तक वो पहुँच के उसकी कुछ ना कुछ बेशक 0.5% हेल्प करें बट कुछ ना कुछ उसमें वो इनपुट दें. तो इट इज़ ऑल अबाउट दैट. एनीथिंग मोर दैट यू वुड लाइक टू ऐड? देखो ऐड तो मैं यही करना चाहूँगा कि भाई एक तो बहुत ज़्यादा इशू मैंने जो देखा है कि लोग नेगेटिविटी को बहुत वास्टली स्प्रेड कर रहे हैं विच इज़ नॉट अ गुड थिंग. क्योंकि मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम पे कुछ भी अगर बहुत ही स्टूपिड चीज़ें भी ऐसे वायरल हो रही हैं, नेगेटिव चीज़ें जो कि नहीं होनी चाहिए. अब क्या होता है कि इंस्टाग्राम पे बच्चे भी हैं और ऐसे भी लोग हैं जो मेंटली इतने हेल्दी है नहीं, वो जब चीज़ें सिर्फ नेगेटिविटी इतनी सारी देखते हैं उन्हें लग रहा है कि वर्ल्ड बहुत ही ख़राब जगह पे आ चुका है. यू नो एवरीथिंग इज़ करप्ट, एवरीथिंग इज़ रॉन्ग, यू नो लोग मार काट हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है. ऐसा कुछ नहीं है, पहले इससे भी ज़्यादा होता था. वर्ल्ड इज़ इन अ बेटर प्लेस नाउ. अब बस हम उसको सब चीज़ों को देख पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. तो प्लीज़ ऐसा मत समझो कि कोई बहुत ही ख़राब जगह पे हमारी दुनिया आ गई है और लोग बहुत ही ख़राब हो गए हैं, ये हो गया, वो. ऐसे कुछ भी नहीं है, वो बस प्रमोट हो रहे हैं इजीली सोशल मीडिया के थ्रू. तो उसको प्रमोट करना पड़ता है. अगर कोई ऐसा इशू है जिसको आपको प्रमोट करना चाहिए देन डू इट, डेफिनेटली डू इट. बट अननेसेसरीली बहुत ही स्टूपिड स्टूपिड कॉज को सपोर्ट मत करो. अगर आपको सपोर्ट करना है डू इट इन सम अदर वे. जस्ट डोंट यू नो आप उस कॉज को हेल्प नहीं कर रहे, आप बस अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हो कि हाँ चाहता हूँ मैं सब चीज़ देखता हूँ और स्प्रेड कर रहा हूँ. बट इट इज़ नॉट अ राइट थिंग टू डू. ऑलराइट, पीपल आर ऑलरेडी टैकलिंग इट, बट एवर द इशूज आर गोइंग ऑन. आपके स्प्रेड करने से उसको ज़्यादा कोई फर्क पड़ नहीं पाता, वो नेगेटिवली इफेक्ट करेगा चीज़ों को. बिकॉज आई हैव सीन थिंग्स, जब कुछ इश्यूज हुए थे तो लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि आप इस बारे में क्या कहोगे, आप इसको शेयर क्यों नहीं कर रहे, आप प्रमोट क्यों नहीं कर रहे. अरे यार ये चीज़ प्रमोट करने से होगा ही नहीं. आई एम टॉकिंग अबाउट सर्टन थिंग्स, जिसको प्रमोट करने से जेन्युइनली कुछ नहीं होगा, वो बस आप अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए शेयर कर रहे हो पर लोग उससे डिस्टर्ब हो रहे हैं, खुश नहीं हो रहे. शेयर समथिंग विच मेक देम हैप्पी, ठीक है, परेशान क्यों कर रहे हो आप लोगों को अपनी चीज़ से. तो कि अगर कोई इशू है आपको शेयर करने की जो एब्सोल्यूट ज़रूरत है जहाँ वहाँ करो. इट इज़ अ वेरी गुड यू नो प्लेटफॉर्म टू शेयर योर थिंग्स की आपने क्या देखा क्या नहीं. उसको अगर ठीक से करा जाए बहुत चीज़ें सॉल्व हुई हैं उससे, ऐसा नहीं. बट अननेसेसरी नहीं कि आप ढूंढ रहे हो कुछ खराब शेयर करने के लिए, ये चीज़ें. थैंक यू सो मच बिल्कुल जी फॉर स्पीकिंग टू अस.